नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, सितंबर के महीने में IPOs की बाढ़ आने वाली है, बहुत सारे IPOs आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे IPOs थे जो कोविड की वजह से रुक गए थे। अब आपके दिमाग में ये हुआ कि अगर आप फ्रेशर, दो तरह के इन्वेस्टर या ट्रेडर होंगे, या तो आप फ्रेशर हैं या आप ट्रेडर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो हो सकता है आपका शौक हो IPOs में इन्वेस्ट करना। अगर नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं और आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरुआत करना चाहते हैं, तो IPO सबसे आसान और सबसे बेहद अच्छा तरीका रहता है आपको स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत करने का। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं ज़ीरोधा का, अपस्टॉक्स का, एंजल ब्रोकिंग का, एलियस ब्लू का, इंडिया इन्फ्लाइन का, बहुत सारे ब्रोकर्स के, जिसमें आपका मन चाहे उसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं। ये तो शुरुआत कैसे करें IPO अप्लाई करने के लिए। IPO अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट का होना है, बस उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। आपके डीमैट अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ये फैसिलिटी होनी चाहिए ब्रोकर के पास में, जो आपको IPO अप्लाई करने में हेल्प करता हो। ये छोटा सा काम करके आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम कौन से IPO में अप्लाई करें। एक सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, जहां पे जितने भी IPOs आने वाले हैं उनका एक एक करके हम अच्छा खासा पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे, समझे कि हमें इस IPO में निवेश क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आने वाले IPO की, हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड की। हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड कैसी कंपनी है दोस्तों, आप समझ के देखिए। नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हैप्पीएस्ट माइंड मतलब खुश दिमाग, कौन हो सकता है, आप सोच सकते हैं। इसमें जो एक ट्रिक है वो उसके नाम में है, दैट इज माइंड्स। ये माइंड्स वही ग्रुप है, माइंड ट्री आपने सुना होगा, जिसका पहले IPO आ चुका है दोस्तों, सक्सेसफुल IPO था, 10 times सब्सक्राइब हुआ था वो IPO। उसी के जो प्रमोटर हैं मिसेस सूता जी, अशोक सूता की कंपनी है, वो फिर से एक कंपनी लेके आ रहे हैं। लास्ट कंपनी जो थी उनकी माइंड ट्री, उसको L&T ने, लार्सन एंड टुब्रो ने एक्वायर किया था, फोर्सफुली एक्वायर किया था। एक हॉस्टाइल एक्विजिशन था जिसके बारे में सबको पता है, बहुत चर्चा में रहा था। यहां पे ये माइंड ट्री वाले ग्रुप के जो अशोक सूता जी हैं, फिर से एक IPO लेके आ रहे हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड। बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, IT फर्म है, जिसका 90% के आसपास का बिजनेस जो है, या जो कहिए मेजर रिवेन्यू जो है, वो IT इंडस्ट्री से ही आता है, ऑटोमेशन से आता है, आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आता है। और आप विश्वास करेंगे, ये वो कंपनी है जो IT रिवेन्यू में इंफोसिस तक को बीट कर रही है दोस्तों। जी हां, इट हैज गॉट द हाईएस्ट रिवेन्यू इन द सेक्टर। Yes, absolutely yes, आपने सही सुना, गूगल करेंगे आप हैरान हो जाएंगे। कुछ स्क्रीनशॉट्स आपकी वीडियो में आते रहेंगे, आप ऊपर की तरफ देखते रहिएगा, उनको पढ़ते रहिएगा, अपने नोट्स बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वो सब मैंने अपनी स्क्रीन पे डाल के रखे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आ रहे होंगे। जो कंपनी का बिजनेस है वो 3 categories में डिवाइड है। सबसे पहला है डिजिटल बिजनेस सर्विसेज DBS, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज PES, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज IMSS। सबसे ज्यादा जो बिजनेस आता है वो डिजिटल से आता है। जी हाँ, जो DBS यूनिट है उसकी करती क्या है। DBS यूनिट ऑफर्स डिजिटल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, असिस्टेंस इन डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म कंसल्टिंग एंड डोमेन लीड ऑफरिंग। मतलब सारा IT का जितना बिजनेस है, ये IT कंसल्टिंग करते हैं, IT प्लेटफॉर्म बना के देते हैं। आपका कोई अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको R&D करानी है IT फील्ड में, तो आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों, 30 जून 2020 तक इनके 148 हैप्पी कस्टमर्स हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड। सबसे ज्यादा क्लाइंट बेस कहाँ है आप देख सकते हैं, कंट्रीज लाइक US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडल ईस्ट। बिजनेस यूनिट्स ऑफ कंपनी इज असिस्टेड बाय 3 centers of एक्सीलेंस विच आर, जिसके आसपास इनका काम घूमता है। जो इनकी 3 centers of एक्सीलेंस है वो क्या है, सबसे पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब कुछ इंटरनेट पे जा ही रहा है। एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, आने वाले समय की डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों। एंड डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, जो भी कंपनी अपने आप को डिजिटाइज कराना चाहती है, ऑटोमेशन कराना चाहती है, वो इस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। लास्ट लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पढ़ के देखिए। इन फिस्कल 2020 96.9% ऑफ कंपनीज रिवेन्यू केम फ्रॉम दी डिजिटल सर्विसेज, जैसा मैंने आपको कहा था, विच इज दी हाईएस्ट अमंग इंडियन IT कंपनीज। इंडियन IT कंपनीज मीन्स इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, आप समझ दीजिए, उन कंपनी में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू रहा है। आप सोच के देखिए, हल्की कंपनी में भी निवेश नहीं करने वाले, तो दोस्तों अपना डीमैट अकाउंट तो खोल ही लीजिए। हैप्पीएस्ट माइंड जिन सेक्टर्स को कैटर करता है वो BFSI है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेवल है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, सब जगह ऑटोमेशन करने का हेल्प करते हैं, सब जगह काम करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। कंपनी के प्रमोटर में नजर डाल लेते हैं, मिस्टर अशोक सूता इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, सेम प्रमोटर हु वॉज बिहाइंड द सक्सेस ऑफ विप्रो इन 1980s to 1990s। 10 साल के आसपास इन्होंने विप्रो को किया था, उसको खड़ा किया था, उसके बाद फिर उन्होंने माइंड ट्री को खड़ा किया, अब ये हैप्पीएस्ट माइंड लेके आए हैं आपके लिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जहां पे 3869 मिलियन के जो एसेट्स होते थे वो बढ़के अब 31 मार्च तक 5081 के हो गए हैं, 5081 मिलियन के उसके एसेट्स हो गए हैं। टोटल रेवेन्यू बढ़ा है, देखिए 4891 मिलियन से 7142 मिलियन, ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है दोस्तों। पिछले 3 साल का ट्रैक आपके सामने रख रहा हूं मैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब कुछ खर्चे काटने के बाद टैक्स पे करने का प्रॉफिट
हुआ कि नहीं हुआ कंपनी को। 2018 में कंपनी ने लॉस सफर किया 224 मिलियन का, उसके बाद 142 मिलियन का प्रॉफिट किया और अब 717 मिलियन का एज ऑन 31 मार्च 2020। मतलब सोच के देखिए, 31 मार्च की बात कर रहे हैं, फरवरी से ही कोविड आ चुका था, लॉकडाउन होने स्टार्ट हो गए थे, मतलब यहाँ स्थिति खराब हो चुकी थी। कंपनी के प्रमोटर से जब किसी चैनल ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हमारा जो 76% बिजनेस है डिजिटल का वो बढ़ा है, गिना नहीं है, बट हाँ जो बाकी सर्विस सेक्टर थे, एग्जाम्पल होटल इंडस्ट्री, एविएशन, ट्रेवल, यहाँ जो सर्विस देते थे वो सब खराब हुआ। ठीक है, वो सभी का हुआ, इनका भी हुआ, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। अब आप कहेंगे जब कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा रेवेन्यू ग्रो कर रही है, तो कंपनी को जरूरत क्या है आईपीओ लेके आने वाली। तो कंपनी के दो मुख्य उद्देश्य हैं, कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है विदाउट इंटरेस्ट। जी हाँ, पब्लिक को वो शेयर होल्डर बनाती है, अपनी हिस्सेदारी एक बेचती है, जिसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। आप शेयर्स खरीदते हैं, अपनी कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपको शेयर्स मिल जाते हैं, तो आप शेयर होल्डर कहलाते हैं। जी हाँ, यही एक तरीका होता है, कंपनी अगर पैसा चाहती है और बैंक से पैसा नहीं उठाना उसको, तो पब्लिक में आईपीओ लाया जाता है। दो उद्देश्य हैं बहुत क्लियर, टू मीट लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये सभी के यही दो मुद्दे बताए जाते हैं मेन। अक्सर कंपनीज यही बताया करती हैं कि उनको पैसा कंपनी की एक्सपेंशन के लिए ही चाहिए। चलिए, आपकी स्क्रीन पे डिटेल आ रही है आईपीओ की, डिटेल देख लेते हैं, क्या है आईपीओ, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कितनी बिड क्वांटिटी रहेगी, क्या इश्यू साइज रहेगा, सब पे नजर डालते हैं। आईपीओ की डेट है दोस्तों 7 सितंबर से 9 सितंबर, मतलब 7 सितंबर को बिड ओपन होगी, ऑफर ओपन किया जाएगा और 9 सितंबर को बिड क्लोज हो जाएगी। तो 9 सितंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। इशू का साइज क्या है, इशू का साइज बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये एक पेच है समझने की कोशिश। लोगों को लग रहा है 700 करोड़ का आईपीओ है और एक रिटेल 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप रिटेल 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाता है तो रिटेल कैटेगरी से बाहर चला जाता है, उसे ऊपर वाली कैटेगरी में चलाते हैं। कौन सी कैटेगरी है आगे वीडियो में वो भी देखने वाले हैं। आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया वो 165 से 166 है, तो अगर आप आईपीओ भर रहे हैं तो 166 के अपर बैंड से ही भरें, 165 से भरेंगे तो शायद आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, अगर कुछ मिलना भी होगा तो। मार्केट लॉट रहेगा 90 शेयर्स का, विच मल्टीप्लाइज बाय जो प्राइस 166, तो इट मेक्स 14,940, मतलब 14,940 रुपए के आसपास का एक लॉट रहेगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं एज ए रिटेल, अगर 2 लाख रुपए से कम की एप्लीकेशन आपको लगानी है तो 1170 शेयर्स का ऑफर यू कैन अप्लाई फॉर, विच मेक्स 1,94,220। कंसर्न क्या है, अब इसके बाद में जो प्रमोटर की इक्विटी है वो पब्लिक के पास आ जाएगी, कितनी आएगी देखिए, पहले 61.77% जो इक्विटी थी प्रमोटर होल्ड करते रहे, अब 53.25% इस आईपीओ के बाद रह जाएगी। दोस्तों इस इशू के साइज को समझ लेते हैं, लोगों को लग रहा है 702 करोड़ का आईपीओ, बट नहीं, ये 702 करोड़ का आईपीओ नहीं है, सिर्फ 110 करोड़ का आईपीओ पब्लिक के लिए, बाकी 592 करोड़ का आईपीओ ऑफर फॉर सेल में आने वाला है। ऑफर फॉर सेल क्या होगा, ऑफर फॉर सेल समझ लेते हैं। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि जो प्रमोटर है वो अपनी इक्विटी बेच रहे हैं और जब वो अपनी इक्विटी बेचेंगे तो पैसा उनकी जेब में जाएगा, कंपनी की जेब में नहीं जाएगा। तो समझ लीजिए 600 करोड़ की प्रमोटर अपनी इक्विटी बेच रहा है दोस्तों, ये 700 करोड़ के आईपीओ में 600 करोड़ की, नॉट 600 करोड़, 592 करोड़ ज्यादा हो जाएगा यार, 592 करोड़ की जो आईपीओ है, जो इक्विटी है वो प्रमोटर बेच रहे हैं, पुराने प्रमोटर इसमें से निकल रहे हैं, इसका मतलब सोच के देखिए, हो सकता है नए प्रमोटर आने वाले हों या नए प्रमोटर इसको स्टेक लेंगे, पर ये पैसा कहां जाएगा, ये पैसा कंपनी की ग्रोथ में नहीं जाने वाला, ये कंपनी की डेवलपमेंट में नहीं जाने वाला, कंपनी की डेवलपमेंट में ये पैसा जाने वाला है खाली 110 करोड़ जो पब्लिक से उठाया जाएगा, जिसमें से सिर्फ 66 लाख शेयर्स ही रहेंगे नॉन ऑफर फॉर सेल में, जनरल पब्लिक के लिए। ऑफर फॉर सेल में आपको अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो पब्लिक के लिए होने वाला है सिर्फ, दैट इज ओनली 110 करोड़ वर्थ रुपी शेयर्स। आप किस कैटेगरी में आते हैं देख लीजिए, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो होते हैं खाली 10% अप्लाई की कैटेगरी होगी, 15% NIIs होंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे, QIBs होंगे 75%। तो याद रखिए, तारीख आपके सामने आ रही है, 7 सितंबर को आईपीओ खुल जाएगा और 9 सितंबर को आईपीओ क्लोज होगा। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, एलिस ब्लू, जितने भी ब्रोकर के लिस्ट दिए हैं इंडिया इन्फोलाइन, सबके साथ आप क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके साथ भी खोलना चाहिए खोल सकते हैं। हिंदुस्तान में एक प्रथा है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये करते हैं, पुराने डीमैट अकाउंट को नहीं टच करते हैं और जब आईपीओ आने लगते हैं तो नया आईपीओ नए डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं। तो अगर आप ऐसे मिथ में बिलीव करते हैं, अगर आप भी ऐसी धारणाओं में बिलीव करते हैं और आपको नया कुछ खोलना है तो नए की शुरुआत कीजिए, हो सकता है ये साल आपके लिए कुछ नया टर्न अराउंड कर दे, साल जाते जाते कुछ नया अच्छा आईपीओ लेके आए। क्योंकि अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात कर रहे हैं तो इसकी जो सोच है वो 77 ईयर्स के ओल्ड मैन मिस्टर अशोक सूता, जिन्होंने माइंड ट्री को चलाया, जिन्होंने विप्रो के सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है, अगर वो एक आईपीओ लेके आ रहे हैं कुछ सोच के लेके आ रहे हैं तो हो सकता है इसमें आपके लिए कुछ रखा हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आखिर में मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स देने वाला हूं कि ये आईपीओ कहां लिस्ट हो सकता है। ये अभी किसी चैनल पे डिस्कशन नहीं है, ना कोई मीडिया वाला डिस्कस कर रहा है, ना किसी यूट्यूब पे डिस्कशन हुई है। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये कौन सा इसका मेजर लेवल रहेगा जिसके ऊपर ये बहुत ही शानदार परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छी रिटर्न्स निकाल करेगा। तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है।
दोस्तों 14 सितंबर तक इसकी अलॉटमेंट आ जाएगी। जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी उनको 15 सितंबर को उनको पैसा वापस मिल जाएगा, उनके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का स्नैपशॉट, जिसमें मैंने इसके लेवल्स निकाल के रखे हैं आपके लिए। 169 इसका ब्रेकआउट लेवल होगा दोस्तों, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल। 166 पे ये आईपीओ मिल रहा है। अगर ये आईपीओ सपोज कीजिए एट पार खुलता है कोविड की वजह से या सर्कमस्टांसेस खराब हो जाते हैं, या सपोज कीजिए डाउन खुलता है, 169 से डाउन खुलता है, तो आपको ये वापस 156, 144 और 132 के आसपास लेने को मिल सकता है। वहां इसमें 100% एंट्री कर सकते हैं, दोबारा से बाइंग कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा लेवल आपके लिए होने वाला है। और 169 से अगर ऊपर खुलता है तो 169 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 182, 196 एंड 210। दोस्तों ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर की एनालिसिस है। अगर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर चाहिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, हमारी व्हाट्सएप नंबर 7827286174 जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए कि आपको ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर चाहिए। नहीं तो आप मेरी वेबसाइट www.vipulkaushik.com ये भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रही है दोस्तों, इस पे जाइए, क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए, अपनी ईमेल आईडी हमें दे दीजिए। दोस्तों अगर आप एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, ज़ीरोधा या किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं, किसी के साथ भी, तो आपको मेरे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर जिससे आप इंट्राडे और स्विंग के लेवल निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री मिलेगा एक महीने के लिए। उसके बाद इसकी बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट है 399 रुपीज पर मंथ या फिर 3999 पर ईयर। ये छोटी सी कॉस्ट इसकी रखी है दोस्तों, अगर आपको चाहिए फ्री में चाहिए तो जाइए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जितने भी ब्रोकर हैं, अगर आपके पास किसी का अकाउंट ऑलरेडी है तो दूसरे में आप ट्राई कर सकते हैं। इतना सा आपको काम करना होगा मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, तो अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो जाइए आप अपने आप अप्लाई कीजिए, आपके जो डीमैट अकाउंट है उससे अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स आपके पास आ जाए उसके प्रॉफिट को बुक कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहे लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों, अपनी स्टडी जरूर कर लीजिएगा इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।